नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी अड्डा में आपका स्वागत है सत्रह नंबर का टॉपिक आज हम देखेंगे जैसे कि भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो उसी में विश्व की नहरें आज का हमारा टॉपिक है इससे पहले हमने टॉपिक देखा था जल प्रपात विश्व के साइड बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न टोटल प्रश्न आज हम देखेंगे ट्वेंटी और इतने ही प्रश्न है इस टॉपिक में और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे पहला प्रश्न आपका कि पनामा नहर किन दो महासागर जो है उनको जोड़ती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को या फिर अरब सागर एवं हिंद महासागर को या फिर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही हो जाएगा और चाहे तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छी ट्रिक है पनामा में वर्ड एक आ रहा है नाम यदि आपको अपना नाम कमाना है आपको प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको कैसा स्वभाव होना चाहिए आपका स्वान शांत स्वभाव होना चाहिए यानी प्रशांत में शांत वर्ड आ रहा है शांत प्रशांत महासागर और साथ ही साथ क्या होना चाहिए आपको अटल होना चाहिए अब बीच को भी काम कर रहे हैं उस पर अटल होना चाहिए तो अटल से अटलांटिक महासागर ऐसे आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जो है उसको जोड़ती है दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका कि पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि पनामा नहर लंबाई में छोटी है पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है घने आबाद देशों जो है उनका व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है या पनामा नहर जो है उसमें जल पास बने हैं तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो सी वाला आपका ऑप्शन जो जो है वो सही हो जाएगा कि घने जो देश है, उनका व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है तो यही पूछा है पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार ही नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कम महत्वपूर्ण हो जाएगी अगला देखते हैं आपका प्रश्न तीसरा कि पनामा नहर जो है उसके संदर्भ में में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है पहला कह रहा है कि यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था दूसरा कह रहा है कि संसार का 25 व्यापार इस परसेंट व्यापार द्वारा होता है तीसरा कह रहा है कि यह नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है और डी ऑप्शन कह रहा है इस मार्ग की लंबाई चौसठ किलोमीटर है तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही नहीं है ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं पहला वाला ही आपका ऑप्शन सही नहीं है कि यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था यह जो है आपका पूरी तरीके से गलत है अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न कि पनामा नहर जो है उसके उत्तरी सिरों पर कौन सा पत्तन स्थित है चार नाम दे रखे हैं पनामा या फिर कोलोन या फिर गार्टुन या फिर मीरा फ्लोरेस तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर के ऑप्शन एबीसीडी में से सही कौन सा होगा तो आपका बी वाला ऑप्शन कोलोन जो है वो सही हो जाएगा पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है तो कोलोन पत्तन स्थित है पांचवा प्रश्न है पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है उत्तरी सिरे पर कोलोन है तो दक्षिणी पर बताइए पनामा कोलोन पोर्ट सईद या फिर गाटून बताइए इनमें से कौन सा सही होगा देखिए कोलोन तो आपका उत्तरी सिरे पर हो गया तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा तो तीन ऑप्शन बचे हैं बताइए कौन सा इनमें से सही होगा चलिए आंसर की बात करते हैं इन तीनों में से तो पहला वाला आपका पनामा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगर दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन की बात करें तो पनामा है उत्तरी सिरे पर बात करें तो कोलोन है छठा नंबर प्रश्न आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है पनामा नहर स्वेज नहर कील नहर सू नहर बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा चलिए फिर आंसर की बात करते हैं तो स्वेज नहर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है स्वेज नहर है स्वेज नगर की अगर बात करें स्वेज नहर की तो ये नहर स्वेज जो है इसके इस मुज मैं यहां पर लिख भी देता हूं इस्त मु होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है कि किससे किसको जोड़ती है तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है इसकी छोटी सी ट्रिक भी होती है और वो ट्रिक होती है स्वाभूला क्या ट्रिक होती है स्वाभूला। अब कैसे तो स्वा जो है इससे नहर हो जाएगा भू से है आपका ऊपर वाला जो मैंने लिखा भूमध्य सागर हो जाएगा और लास्ट से जो है वो लाल सागर हो जाएगा यानी कि स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है तो स्वाभूला छोटी सी ट्रिक है याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पर स्वेज नहर हो जाएगा और अगर बात करें इसके निर्माण के संदर्भ में तो 1858 की बात है जब एक कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था यूनिवर्सल स्वेज सिप कैनाल कंपनी ये जो कंपनी थी उसको निन्यानवे साल के लिए नहर का निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया था तो ये जो नहर थी वो आपकी जो सिक्सटी नाइन जो है तैयार हुई थी और इसे अंतरराष्ट्रीय यातायात के लिए भी बाद में जो है वो खोल दिया था 1956 का जब समय आया था तो मिस्र के राष्ट्रपति उस समय थे अब्दुल नासिर उन्होंने क्या किया था स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण भी जो है वो किया था छठा नंबर प्रश्न देख हो गया हमारा सातवां देखते हैं ये देखिए यही प्रश्न आ गया जो हमने अभी ट्रिक की बात की कि स्वेज नहर जोड़ती है बताइए भूमध्य सागर जो है उसको लाल सागर से भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से लाल सागर को हिंद महासागर से या भूमध्य सागर को हिंद महासागर से ट्रिक हमारी क्या थी स्वा भूला तो स्वा से स्वेज नहर भू से भूमध्य सागर से लाल सागर यानी कि पहला वाला आपका ऑप्शन भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है यह जो है वो सही हो जाएगा साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहे आठवा प्रश्न है। देखते हैं कि स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन जो है वो स्थित है ए ऑप्शन है कोलोन बी ऑप्शन है पोर्ट सैयद सी ऑप्शन है स्वेज और डी ऑप्शन है पोर्ट फौद तो बताइए स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है जैसे भी हमने ऊपर देखा था वैसे यहां वो पनामा नहर के बारे में था ये स्वेज नहर के बारे में आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी में से तो आपका बी वाला ऑप्शन पोर्ट सैयद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन नवा नंबर का प्रश्न है स्वेज नहर जो है उसके दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है स्वेज पोर्ट सैयद या फिर इस्माइलिया या फिर पोर्ट तौफीक अब यहां पर भी सेम चीज आपको मैंने बताई जैसे ऊपर थी कि आपका ऑप्शन पोर्ट सैयद जब उत्तरी सिरे के लिए हो गया तो ये ऑप्शन कट जाएगा इन तीनों में से कौन सा होगा तो स्वेज नहर में भी दक्षिणी सिरे पर स्वेज पत्तन ही स्थित है जैसे हमने देखा था ऊपर कि पनामा नहर का जो दक्षिणी सिरा था वो पनामा ही था सेम चीज स्वेज नहर का जो दक्षिणी सिरा है वो स्वेज ही है तो ऐसे आपको दोनों याद करने में जो है वो आसानी होगी उसमें क्या था उत्तरी सिरा कोलोन था और पनामा नहर में और यहाँ पर स्वेज नहर का उत्तरी सिरा पोर्ट सैयद है दसवा प्रश्न देखते हैं कि स्वेज नहर जो है उसमें झालों का पोर्टा अभाव क्यों पाया जाता है झालों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है स्वेज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है या स्वेज नहर विश्व के सभी जो देश हैं उनके जलयानों को आवागमन की सुविधा जो है वो प्रदान करती है तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी सी डी में से तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा स्वेज नहर में झालों का पूर्ता अभाव इसलिए पाया जाता है क्योंकि नहर के दोनों किनारों और समुद्र तल के जो जल स्तर है उसमें समानता देखने को मिलती है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं आपका ग्यारह नंबर कि स्वेज नहर का जो निर्माण है वो कब प्रारंभ हुआ था बढ़िया प्रश्न है बताइए 1854 में एटीन ईस्वी में 1874 में या फिर एटीन नाइनटी सिक्स ईस्वी में तो बताइए स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन 1854 फिफ्टी ईस्वी सही हो जाएगा और ये जो है आपको ईयर मैंने ऊपर बताया था तो एक्चुअल में एक टाइम पीरियड है लगभग मान मान सकते सकते हैं से सकते हैं से से या 1859 लेकर के 1869 तक का जो टाइम था इसी के बीच अधिकतर टाइम देखने को मिलता है पर ऑप्शन में इस टाइप का कोई नहीं है तो अठारह ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सही हो जाएगा बाकी यही कहीं कहीं सन आपको 1859 ही देखने को मिलता है एक फ्रांसीसी इंजीनियर मैंने आपको बताया फर्डी थे जिनकी देखरेख में जो स्वेज नहर है उसका निर्माण शुरू हुआ था तो वहां पर कहीं कहीं एटीन भी सन देखने को मिलता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं बारह नंबर प्रश्न आपका है कि स्वेज नहर कब जो है वो बनकर तैयार हुई 1854 1869 1881 या 1881? दो बार ऑप्शन हैं और D वो दे रखे बताना है आपको इनमें से कौन सा हो, तो सही होगा तो जो मैंने कि जो बन कर तैयार हो गई थी वो 1869 जो है आपका सही हो जाएगा तेरह नंबर प्रश्न देखते हैं कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है अब यहां पर सभी ऑप्शन किलोमीटर में दे रखे हैं तो बताइए चौसठ किलोमीटर एक सौ छह दशमलव पांच किलोमीटर एक सौ छप्पन दशमलव चार किलोमीटर या फिर एक सौ अड़सठ जो है वो किलोमीटर तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आंसर की बात करते हैं तो आपका एक सौ अड़सठ किलोमीटर जो है वो सही हो जाएगा यह भी याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है सूज नहर की लंबाई जो है वो एक सौ अड़सठ किलोमीटर है वैसे कहीं कहीं ये एक सौ बासठ किलोमीटर भी देखने को मिल जाती है एनसीईआरटी की कुछ बुकों में वन सिक्सटी फाइव भी देखने को मिल जाती है पर अधिकतर ऑथेंटिक बुक में देखेंगे तो एक सौ अड़सठ ही देखने को मिलती है जैसे एक राजस्थान की बुक आती है आर एस करके उसमें 168 से किलोमीटर ही आपका जो है वो दे रखा है तो आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा बाकी मैंने बता दिया कि ये संभावनाएं हो सकता है ऑप्शन में 165 देखने को आपको मिल जाए तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करिएगा चौथा नंबर प्रश्न आपका है सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है बताइए चार ऑप्शन में से सुपीरियर जो है उसको मिसिगन से सुपीरियर को ह्यूरन से या फिर मिसिगन को ह्यूरन से या फिर ईरी को ह्यूरन से कौन सा इनमें से सही होगा नहर निम्नलिखित में से किसको जो है वो जोड़ती है तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आपका ऑप्शन बी वाला यहां पर सही हो जाएगा यानी कि सुपीरियर जो है इसको ह्यूरन से जो है ये जोड़ने का कार्य नहर जो है वो करती है अगला देखते हैं आपका पंद्रह नंबर कील नहर भी आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है ये भी आपकी पूछी जाती है तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कील नहर किसको जोड़ती है मैनचेस्टर जो है उसको लिवरपूल से जोड़ती है उत्तरी सागर जो है उसको बाल्टिक सागर से जोड़ती है या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है या फिर प्रशांत महासागर जो है उसको अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा कील नहर जो है वो किसको जोड़ती है चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आपको ऑप्शन बी वाला यहां पर सही हो जाएगा उत्तरी सागर जो है इसको बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर के संदर्भ में एक प्रश्न यह आता है कि इसे पहले किस नाम से जाना जाता था तो इसे केसर विलहम के नाम से पहले जो है वो जाना जाता था केसम विलहम नहर के नाम से ये आपकी तो नहर है वो विश्व की व्यस्तम नहर के अंतर्गत आती है और यहाँ से यही जो प्रश्न यहाँ पूछा गया यही सबसे ज्यादा पूछ रहता है कि किससे किसको जो है वो जोड़ती है तो इसकी भी एक ट्रिक होती है आप चाहें तो याद रख सकते हैं ट्रिक है आपकी बुक किताब वाला जो बुक होता है बस इसकी स्पेलिंग बदली है बी यू के तो यहाँ पर जो के है इससे कील नहर हो जाएगा जो बी है इससे बाल्टिक सागर हो जाएगा जो यू है इससे उत्तरी सागर तो कील नहर आए आपका तुरंत कोई बुक हम पढ़ लेते हैं तो उसको कहते हैं हमने इसमें कील ठोक दी ऐसे थोड़ा सा कील से बुक को जोड़कर याद रख सकते हैं सोलह नंबर प्रश्न है आपका कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर जो है उसे मिलाती है स्वेज पनामा कील सु बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी जो है वो नहर मिलाती है ऊपर हमने प्रश्न देखा बस प्रश्न को क्या किया इन्होंने पलट दिया है वहां पर कील नहर जोड़ती है किससे किसको यहाँ पर किससे किसको कौन सी नहर जोड़ती है तो आंसर आपका बदलेगा नहीं कील यहाँ पर सही हो जाएगा सत्रह नंबर प्रश्न आपका है क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है म्यांमार में है थाईलैंड में है कंबोडिया में है लाओस में है क्रा कैनल के संदर्भ में पूछा गया है बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में है आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा यानी कि थाईलैंड में जो है ये नहर स्थित है अगला प्रश्न देखते हैं आपका अठारह नंबर प्रश्न आपका है कि पनामा जल डबरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार जो है वो किसने रखा था टॉलमी ने रखा था स्ट्रोबा ने रखा था, था? रेड जो है उसने रखा था या फिर हम्बोल्ट ने रखा था तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा पनामा जल डमुबिक के आर पार नहर खोदने का विचार जो है वो किसने रखा था चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आपका हमबोल्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा हमबोल्ट ने ये विचार जो है वो दिया था उन्नीस नंबर प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला कह रहा है कि कील नहर जर्मनी में है या उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जो है उसके बीच में है तो अभी हमने ट्रिक देखी बुक वाली तो बी से बाल्टिक सागर यू से उत्तरी सागर और के से कील नहर और जर्मनी में तो है तो ए तो बिल्कुल सही है जबकि प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया है बी कह रहा है स्वेज नहर मिस्र में है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है ट्रिक हमने देखी स्वा भूला स्व से स्वेज नहर भू भु से भूमध्य सागर और ला से लाल सागर और मिस्र में है ये भी बिल्कुल सही है सी है पनामा नहर पनामा में है ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है ये भी आपका बिल्कुल सही है और इसको भी याद कर लीजिएगा डी बचा ये गलत है सू नहर स्वीडन में है जबकि हमने ऊपर देखा था कि सू नहर उत्तरी अमेरिका में स्थित है सू नहर स्वीडन में नहीं है स्टॉक होम तथा गोटेनबर्ग के बीच में ये ऑप्शन गलत है यही प्रश्न जो है पूछा गया था कौन सा सही नहीं है नंबर प्रश्न आपका है कि नहर जो है उसके खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग जो है वो छोटा हो गया लंदन न्यूयॉर्क लंदन पेरिस लंदन केप ऑफ गुड होप या लंदन चेन्नई कौन सा इनमें से सही होगा चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एपी सी में से तो आपका ऑप्शन लंदन चेन्नई जो है वो सही हो जाएगा स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया था तो लंदन और चेन्नई ये जो है आपका हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं आपका ट्वेंटी वन प्रश्न आपका है कि पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसका क्या रीजन है बताइए इसमें लॉक या जलपास प्रणाली है या फिर इसका जो मार्ग है वो छोटा है या फिर इसका जो मार्ग है वो व्यस्त है या इसका मार्ग कम व्यस्त है तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एवीसीडी में से तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्या कि इसमें लॉक जलपास प्रणाली जो है वो है यही पनामा नहर स्वेज नहर से इस प्रकार से आप कह सकते हैं भिन्न है अगला प्रश्न देखते हैं ट्वेंटी टू और ये सेकंड लास्ट प्रश्न होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था तेईस प्रश्न हम देखेंगे एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे बाईस नंबर प्रश्न है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था चार ऑप्शन है ऊपर जो प्रश्न आया था वो स्वेज नहर से संबंधित आया था तो बताइए 1869 ईस्वी 1980 ईस्वी 905 ईस्वी या फिर 1914 यानी 1914 ईस्वी कौन सा इनमें से सही होगा तो ऑप्शन ए बी सी या डी में से चलिए फिर बात कर लेते हैं आंसर की कौन सा सही होगा तो पनामा नहर का जो निर्माण है वो 1914 आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा नहर का जो निर्माण है 1914 में पूरा हो गया था तारीख 14 अगस्त की थी 14 अगस्त 1914 को पूरा हो गया था और 15 अगस्त 1914 को जो जलपोत होते हैं उनके लिए आवागमन के लिए भी ये खोल दिया गया था तो यहाँ पर किस वर्ष हुआ था मतलब पूरा होने के संदर्भ में स्टार्ट कब से हुआ ये नहीं पूछा गया है पूरा होने के संदर्भ में जो है वो पूछा गया है और बाकी पनामा तो नेहर से संबंधित ऊपर हमने चौथा पांचवा छठा इस टाइप के प्रश्न थे उनमें सारी चीजें जो है वो देख लें देखते हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे ही पूछेंगे वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक भी करते रहेगा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सर्च करके भी बालाजी बालाजिस्टर जुड़ सकते हैं तेईस प्रश्न है, है। सोच नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की जो सामुद्रिक दूरी है उसमें कितनी कमी जो है वो आई है चार ऑप्शन दे रखे हैं पांच हजार किलोमीटर सात हजार किलोमीटर आठ हजार किलोमीटर या फिर दस हजार किलोमीटर कौन सा इनमें से सही होगा स्वेज नहर जो है उसके बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी जो है वो कमी आई है आंसर की चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आपका सात हजार किलोमीटर की कमी जो है वो देखने को मिली है बी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा तो सभी प्रश्न हमारे इस चैप्टर के समाप्त हुए अब जो नेक्स्ट चैप्टर है देख लेते हैं हाँ वो प्रश्न जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है इसके बाद वाले चैप्टर से कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका बी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका सी ऑप्शन है एशिया और डी ऑप्शन है अफ्रीका ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा लाइव टाइमिंग दो है दोपहर के तीन बजे शाम के आठ बजे तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद